को काला कानून बताने लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, इसमें काला क्या है ये आप जनता के सामने रखें। नमस्कार, मैं बॉबी कुमार खांडे, आप देख रहे हैं एनटी हिंदी। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय सहसंयोजक कृषि से संदीप तांडव। हम उससे सीधे बात करते हैं कृषि पर, क्योंकि वो कृषि से ही हैं। तो कृषि पर भी बहुत सारे जो बिल चल रहे हैं, जो किसानों द्वारा प्रोसेस चल रहे हैं, उस पर आप बताइए। कृषि के क्षेत्र में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आंदोलन आज दिल्ली पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लगभग बड़े किसान वहाँ उपस्थित हैं। और मैं सभी जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर कृषि बिल जो पुराना था वो सही था तो किसान आज कर्ज तले क्यों था, ये मेरा मुख्य मुद्दा है। और सरकार निश्चित रूप से आज ट्रेड एक्ट लेके आ रही है, APMC एक्ट लेके आ रही है, तो निश्चित रूप से इसके फायदे हैं। कुछ ऐसे एक्ट भी हैं जो राज्य सरकार को टैक्स देना पड़े, लेकिन ट्रेड एक्ट के तहत वो टैक्स भी मुक्त किया जा रहा है, तो ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा, स्वागत करने योग्य है। तो आज जैसे कि 6 तारीख है और आज बड़ी पैमाने में आंदोलन भी चल रहे हैं, तो जैसे कि सरकार द्वारा पुलिस द्वारा जो उनके एक स्वागत का एक अलग ही तरीका है, जैसे देखा जाए तो कील लगाए गए हैं, बॉर्डर पर बैरिकेड है, दीवार खड़े किए गए हैं, उस पर आप क्या कहना है? देखिए, ये पुलिस प्रशासन किसी को प्रहार करने के लिए नहीं लगाया है, पुलिस प्रशासन अपने सार्वजनिक संपत्ति को बचाने के लिए लगाया गया। और रही बात वहाँ कील की, तो पुलिस प्रशासन को भी जरूरी है, क्योंकि पिछले आप देखे होंगे 26 जनवरी के दिन किसानों के ऊपर तलवार से और ट्रैक्टरबाजी भी किया गया, बहुत बड़े बड़े बैरिकेड तोड़े गए। तो प्रशासन और दिल्ली सरकार की अच्छी व्यवस्था है, इसको हम साम्प्रदायिकता से ना जोड़े और उग्रवादी पुलिस ऐसा हम बोलने से बचे। और कृषि बिल जो है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से कृषि का जो बिल अभी केंद्र सरकार ने लागू किया है, ये बिल किसानों को, जो हम शुरू से बात करते आए हैं वन नेशन वन मार्केट, आज जब किसान अपना उपज अन्य राज्य में भी बेच सकता है और उन्हें उचित दाम मिलेगा। आप देखेंगे आज छत्तीसगढ़ में बारदाने की कमी थी, अगर किसान पर ये बिल आज लागू हो जाता तो बारदाने की कमी महसूस नहीं होती। तो ये बहुत स्वागत करने योग्य बिल है और निश्चित रूप से जनता को इसको पहचानना चाहिए और किसानों को इसको पहचानना चाहिए, क्योंकि APMC एक्ट हो गया, MSP हो गया, कभी अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो कृषि जो फॉरवर्ड जो उनका तो कहना है कि हमें सिर्फ MSP चाहिए, कृषि बिल नहीं चाहिए। देखिए, आंदोलन का जो स्वरूप था उसको हमें पहले समझना होगा। सबसे पहले जब ये बिल आए तो APMC और MSP पे बात करने लगे। सरकार ने निश्चित रूप से बैठाया, किसानों से आपसी बातचीत किया, 11 से 12 बार किसानों से मिला। अब किसानों के द्वारा ये बिल को अच्छे से समझा गया तो कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि हमें पूरा बिल वापसी चाहिए, ये बोल रहे हैं कि हमको ये बिल ही नहीं चाहिए। तो कृषि कानून को काला कानून बताने लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, इसमें काला क्या है ये आप जनता के सामने रखें। एंट्री टीम हिंदी से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।